हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बोरोसिल हॉट टिफ़िन बॉक्स का रिव्यू करने वाली हूँ। ये रिव्यू लॉन्ग टर्म रिव्यू है। मैंने पहले भी ये वीडियो एक इसी टिफ़िन के ऊपर बनाया है, जिसको आपने बहुत ही अच्छा प्यार दिया है। तो उसका लिंक आपको मैं आई बटन में ऊपर दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद वो वीडियो को देखें। और ये वीडियो मैं पूरे 7 महीने के बाद बना रही हूँ। तो 7 महीने के बाद देखो, ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो मुझे जो तकलीफ़ है या मुझे जो अच्छा लगा इसमें, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। टिफ़िन बॉक्स को ओपन करते हैं, यहाँ पे ये बटन दिया गया है, ये बटन प्रेस करके आपको ओपन करना होता है। और इसके बॉक्स के ऊपर ये लीड है ना, उसके अंदर एयर पास होने के लिए ये होल दिया गया है। उसके ऊपर एक छोटा सा लॉक था रबर का, तो वो तुरंत ही 2-3 महीने में ही निकल गया है। वो एक प्रॉब्लम है इसमें, पर ये बात है कि वो निकल गया उसके बाद भी कोई इश्यू नहीं है। मतलब मुझे वैसा ही तो भी खाना गर्म ही मिलता है इसी तरह। इसमें खाना लंबे टाइम तक गर्म कैसे रहे, उसकी आज मैं आपको एक टिप देती हूँ। तो यहाँ पे उसका जो आउटर सरफेस है ना, जो गर्म खाना रखने के लिए जो बॉल है, उसके अंदर आपको खाना भरने से पहले 5 मिनट पहले इस तरह से गर्म गर्म पानी भर देना है, अगर आपको गर्म खाना चाहिए तो। और ठंडा चाहिए तो आपको इसमें वो आइस कोल्ड वाटर भर देना है। इसको 5 मिनट इस तरह से रखना है, उसके बाद उसमें से पानी निकाल देना है और उसके बाद यूज़ करना है। मेरे पहले वीडियो में मुझे कमेंट में काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपने रोटी आप ऐसे ही रखते हैं कि नीचे कपड़ा रखते हैं। तो देखिए, मैं हर रोज़ मेरे हस्बैंड को इसी तरह से इसका मैंने स्पेशल कपड़ा बनवाया हुआ सिलवाया हुआ है, इसके अंदर मैं रखती हूँ। और इसको जब भी टिफ़िन घर पे आता है तो निकाल के वॉश करके अच्छे से मैं उसको धूप में सुखा देती हूँ। इसी तरह से मैं इस रोटी टिफ़िन में भरती हूँ। और पानी 5 मिनट के बाद हम गरम गरम पानी निकाल देंगे और इसको पोंछ लेंगे अच्छे से, तो ये हमारा आउटर लेयर है वो अच्छे से गरम हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसमें खाना रखेंगे ना, ज़्यादा गरम चाहिए तो हमें इस तरह से खाना रखना होगा। और रोटी अगर ज़्यादा गरम चाहिए तो आपको रोटी का डिब्बा जो है वो मैंने जैसे पहले रखा ना, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, पहले रख दीजिए। और सब्ज़ी आप देख सकते हैं इसमें से भी स्टीम निकल रही है, तो आपको सब्ज़ी भी एकदम गरम गरम बना के तुरंत ही डब्बे में भर देनी है और इसको बंद करके टिफ़िन बॉक्स में रख देना है। और सेम रोटी को भी इसी तरह से हमें भर देना है, गरम गरम तुरंत ही हमें भरना है और डिब्बे के अंदर रख देना है। तो ये डिब्बा में कवर के अंदर रख देती हूँ। इसको मैं 6 घंटे के लिए इस बैग के अंदर रखने वाली हूँ और 6 घंटे के बाद हम खोलेंगे और चेक करेंगे कि खाना गर्म है कि। मेरे हस्बैंड 4 घंटे के बाद खाना खा लेते हैं, पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने 9:44 को मैं टिफ़िन भर रही हूँ और एग्जिट 6 घंटे के बाद मैं ये टिफ़िन खोलूँगी और देखते हैं कि खाना इसमें गर्म रहता है कि नहीं रहता है 6 घंटे तक। और आज आपके लिए मैं मेरे हस्बैंड को दूसरा टिफ़िन बॉक्स दे रही हूँ, जो पहले पुराना वाला मेरा था वो, तो वो मिल्टन का है, वो भी काफ़ी महंगा आया है, पर उसमें बिल्कुल खाना गर्म भी नहीं रहता है और मुझे वो बराबर नहीं लगा बिल्कुल ही। हस्बैंड पूरा दिन इतनी मेहनत करते हैं और खाना उसको लंच में ठंडा मिले तो वो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद था। इसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया और एक अच्छा टिफ़िन बॉक्स ढूंढा है जो मुझे बहुत ही बेस्ट लगा अब तक का। अभी उसको दोपहर में भी गर्म गर्म ही खाना मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5:48 हुआ है, तो 6 घंटे से ऊपर थोड़ा सा टाइम हो गया है। अभी हम टिफ़िन बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें खाना गर्म है या ठंडा है। तो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम का ही एक्सपीरियंस है, मुझे भी चेक करना था कि लॉन्ग टर्म खाना गर्म रहता है कि नहीं रहता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, बाइंग लिंक, आप वहाँ पे जाके ख़रीद सकते हैं और आप चेक भी कर सकते हैं इसकी प्राइस क्या रहती है, क्योंकि अमेज़न पे अलग अलग सेल चलता ही रहता है। यहाँ पे हम पहले टिफ़िन बॉक्स खोल लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जी का डब्बा मैंने रखा है सबसे पहले और उसके बाद रोटी का रख रही हूँ। और रोटी को मैं बाहर निकालती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टीम अंदर है, अभी ऐसे ही है स्टीम सारी जगह पे, तो पूरे डिब्बे में स्टीम आपको दिख रही होगी। और रोटी को खोल के देखते हैं तो हल्की सी गर्म रोटी है, और रोटी मैंने खाई इसमें से तो मुझे एकदम फ्रेश लगी, वो मेन बात है इसकी। मतलब अभी अभी बनाई हूँ ऐसी फ्रेश है। और
सब्जी में भी देख सकते हो, ये इसमें भी स्टीम लग गई है चारों ओर और उसको मैंने टच किया तो हल्का सा गर्म सब्जी है। मतलब 6 घंटे तक भी ये थोड़ी थोड़ी थोड़ा टिफ़िन बॉक्स गर्म तो रहता है, पर मैंने आपको जो स्टेप दिया ना वो फॉलो करें तभी इसमें इस तरह से ज़्यादा देर तक खाना गर्म रहेगा। अभी ये रोटी और सब्जी में खाती हो तो मैंने क्या देखा कि सब्जी भी अभी समर, फुल समर सीज़न है, समर और रेनी सीज़न चालू होने वाला है तो एकदम गर्मी है, तो भी इसमें खाना जो है वो फ्रेश मिला। मतलब 6 घंटे तक एकदम फ्रेश खाना है और हल्का गर्म भी है। तो दूसरे दिन देखिए मैंने ऑनियन की सब्जी बनाई है और मेरे हस्बैंड के लिए और इसके स्टाफ के लिए 2 डिब्बे में मैंने सब्जी भरी है और ये लिक्विड है, फिर भी इसमें से लीक प्रूफ है, कुछ गिरता नहीं है, ख़राब भी नहीं होता है। ये भरवा ऑनियन की लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से वीडियो जाके देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनती है और फ्रेंड्स ये टिफ़िन आप 100% ले सकते हो, लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से कीजिए।